हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। कुछ परेशानियों के कारण मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पाई, आई एम सो सॉरी। तो आज मैं एक वीडियो लेकर आई हूं आपके पास। तो ये है ब्लाउज़ का बैक डिज़ाइन के बारे में। तो यहां पे मैं ब्लाउज़ की पहले कटिंग कर लूँगी, ठीक है। तो यहाँ मैंने डबल फोल्ड कर लिया है कपड़ा, और जितनी मुझे लंबाई चाहिए, जैसे मुझे 15 इंच लंबाई चाहिए, ठीक है, तो मैं उस पर निशान लगा लूँगी और अपना, और जितना मुझे फिर मोड़ना है मैं उतना ऊपर कर दूंगी। ये देखिए, ये मतलब मोड़ने के लिए मैंने एक्स्ट्रा लिया है कपड़ा, जो नीचे हम फोल्ड करते हैं ना वो चीज़। तो पहले 15 इंच मतलब मुझे रेडी चाहिए, और मैंने 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है कपड़ा। अब मैं तीरे का निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं इसमें डोरी वाला बना रही हूँ, ये वाला तो काफ़ी डीप नेक है, तो इसलिए मैं 6 इंच का ही मतलब 6 से 5.5 इंच का ही मैं रखूँगी। इसमें 5.5 तैयार आ जाएगा, और 6 इंच का मैंने तीरा रख लिया है। और अपने इस तरीके से, अगर मैं जो सा ये डिज़ाइन बना रही हूँ लूप, अगर आप उसमें लूप ऐड करना चाहते हैं डोरी की जगह, तो आप मतलब 7 से 7.5 इंच रखिए। और अगर आप सिर्फ डोरी ऐड करना चाहते हैं तो आप इतना रख सकते हैं, आगे देखिएगा। अब मैं आर्म होल का लगाऊंगी। 7.5 पे मैंने आर्म होल लगाए हैं। ये काफ़ी हैवी मतलब ब्लाउज़ बन रहा है, हैवी माप का। और देखिए, यहाँ से मैंने लिया है 2 इंच का, और फिर मैं लूँगी इस तरीके से। पहले मैंने लगाना है उसकी चेस्ट का निशान, ठीक है, और उनको इस तरीके से मैं मिला दूँगी। तो ये हमारे बैक का निशान लग चुका है, और अब ये निशान को मैं सीधा बिल्कुल मिला दूंगी, और ये हमारा मार्जिन हो जाएगा। और मैंने फ्रंट का भी इसमें लगा दिया है निशान। अब हमें बैक के नेक का जो डिज़ाइन है उसका मार्क लगा, तो हम बैक का निशान लगाएंगे पहले। तो आपको जितना भी आपको नेक लंबा चाहिए आप उतने पे निशान लगा सकते हैं। मैं नीचे से फोल्ड करने का और जो हुक पट्टी का छोड़ के मैं सारा उसको कवर करूँगी। तो बिल्कुल तैयार। अब मैंने यहाँ पे ये जो निशान, पहला निशान लगा, ये अंदर टर्न हो जाएगा, फिर उसके बाद मैंने 4 इंच की पट्टी छोड़ी है हुक पट्टी के लिए। तो ये मेरा जो नेक है 10 इंच का रेडी आएगा। और मैंने यहाँ से लिया है 2.5 इंच, ठीक है, और अब इस तरीके से बॉक्स बना दूंगी। और ये एक छोटा सा, पहले जैसे बोट नेक होता है, पर ये 2.5 इंच का बन रहा है, तो इसे हम बोट नेक नहीं कहेंगे। तो पर ये छोटी सी शेप पहले बोट नेक जैसी ही बनेगी। पहले हम इसे कट कर लेंगे, फिर इसमें हम डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, मैंने ये बॉक्स बना लिया था। अब 3 इंच पर एक निशान लगाऊँगी, और फिर हम इसमें एक छोटा सा सर्कल बना देंगे, मतलब जो से हम नेक बनाते हैं उतना। तो इसे हम इस तरीके से बना देंगे, ये देखिए, और फिर नीचे भी हम इस तरीके से गोल बनाएंगे नीचे तक, क्योंकि 9 इंच का जो चाहिए था हमें जो नेक चाहिए वो कम से कम 12 इंच का चाहिए। तो 10 इंच पे हमने निशान लगाया था, पर मुझे 12 इंच का नेक चाहिए, इसलिए मैंने ये नीचे तक ड्रॉ कर लिया है। इस तरीके से अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे, और अब हम इसे कट करेंगे। अब इसे कट करने के बाद अब इसका मेन फैब्रिक कट करेंगे। तो ये मैंने मेन फैब्रिक को डबल करके रख लिया है, और अब हम इसको इस तरीके से सेट करेंगे, और बराबर रख के हम इसको भी कट कर लेंगे इसी की तरह। और अब इसको कट करके हम बिल्कुल इसकी जो स्टिचिंग है, हम बिल्कुल इस वाले ब्लाउज की तरह ही स्टिच करेंगे, जो मैंने इसकी वीडियो में पहले आपको डाल चुकी हूँ, तो आप इस पर ज़रूर देखें। ये वीडियो का थंबनेल है, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। इस पर मैंने काफ़ी अच्छे से क्लियर किया है, तो आप देखिए। अब बनने के बाद ये जो ब्लाउज़ है वो कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हैं। मैंने ये ऊपर लेस लगाई है, और डोरी है, डोरी में मैंने जो लटकन दी है वो देखिए इस तरीके से दी है, कपड़े की ही लटकन दी है, काफ़ी अच्छी लग रही थी, और जिनका ये था उनको भी काफ़ी पसंद आया था। तो बस मैं यहीं पर कह रही थी, डोरी की जगह अगर आप लूप लगाएंगे तो आपको ऊपर से तीरा जो है वो
थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ेगा क्योंकि वो प्रॉपर बोटनेक में आ जाएगा और कवर कर जाएगा बिल्कुल। और डोरी से क्या होता है, एडजस्टेबल हो जाती है चीज़ें। तो चलिए फिर, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं आपके साथ और अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी। तब के लिए बाय बाय।